हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये देखिए दोस्तों, ये सिलाई मशीन का पायदान है, टूट गया है। कास्टेरन का होता है ये। अब इसमें गैस से कास्टेरन वेल्डिंग होने जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, कास्टेरन वेल्डिंग कैसे किया जाता है, कास्टेरन वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी रॉड लगती है कास्टेरन वेल्डिंग में, लास्ट तक बने रहें, हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कास्टेरन वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, कास्टेरन वेल्डिंग में भी वही गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो आप लोहा, पीतल, एल्युमिनियम में इस्तेमाल करते हैं, एसीटेलिन और ऑक्सीजन, या फिर एलपीजी और ऑक्सीजन। और दोस्तों, अब रॉड की बात करते हैं। जैसे लोहा, पीतल, एल्युमिनियम की रॉड आती है मार्केट में, वैसे ही कास्टेरन की भी रॉड प्लेन वाली आती है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की रॉड कास्टेरन की जो आती है वो इसमें नहीं चलेगी। और अब बात करते हैं कि वेल्डिंग कैसे करें। तो दोस्तों, जिस जगह पे वेल्डिंग करना है उसे पहले अच्छी तरीके से हीट करना है, फिर लोहे की तीली से, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा झाड़ लेना है, गड्ढा कर देना है। इसके बाद फिर कास्टेरन रॉड को सुहागा में लगा के उसी में गला देना है। ये देखिए दोस्तों, वेल्डिंग हो गई है, कास्टेरन की वेल्डिंग हो गई है।
और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है वेल्डिंग में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें।